हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यानी एक्सेल 365 के ऊपर हम कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उनमें एक खास चीज़ है पिवोट। यानी पिवोट लगाने का क्या फ़ायदा है और इसको कैसे लगाते हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट बटन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ भी आ रहा है, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से एक्सेल ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, ये एक्सेल का 365 है। अगर आपके पास 2007, 2009, 13, 16 या 19 या 21 हो तो भी काम लगभग ऐसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी। कैसे डेटा की जरूरत पड़ेगी वो भी देख लेना जरूरी है। तो एक छोटा सा डेटा, एक समझिए एम्प्लॉय का या आइटम्स का एक डेटा होगा हमारे पास, उसी की हमें जरूरत है, ठीक है। अब वो डेटा बनेगा कैसे, उसके लिए यहाँ पर जो है हम कुछ टाइप करते हैं। जैसे पहला जो यहाँ पर है हम टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर टाइप किया हमने एम्प्लॉय और फिर यहाँ पे नेम, तो ये हो गया एम्प्लॉय नेम। और फिर दूसरे सेल में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, आइटम का नेम आएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ आइटम्स कर दिया हमने। फिर अगले सेल में आते हैं तो यहां पर क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। तो क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी को मैंने यहां पे शॉर्टकट में लिख दिया QTY, ठीक है। जब क्वांटिटी लिखेंगे तो क्वांटिटी को लिखने के बाद आपको यहां पे देना है रेट, RATE। तो ये दे दिया रेट, और रेट को देने के बाद यहां पर टोटल अमाउंट आ जाएगा, यानी यहां पे आएगा क्या, टोटल अमाउंट, AMOUNT। तो ये हो गया। अब यहां पर अब आप देखेंगे कि ये छिपता हुआ सा नजर आ रहा है, तो अभी हम इसको सही करते हैं। तब तक यहां पर हम एम्प्लॉयज के नेम देंगे और उससे भी पहले हम इसको सही कर लेते हैं। तो सबको आपको एक साथ सेलेक्ट करना है, आप दो तरीकों से इसे सही कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, शॉर्टकट की का है, और दूसरा तरीका है कि अगर आप सही करना चाहते हैं तो एक एक करके सही कीजिए। यहां से इस तरीके से ड्रैग कीजिएगा तो ये रिसाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते, एक ही बार में सही करना चाहते हैं, तो सबको एक साथ सेलेक्ट कीजिए और एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। वो क्या है सुनिएगा ध्यान से, पहले अल्ट प्रेस कीजिए, छोड़ दीजिए, फिर एच, फिर ओ, फिर आई। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये रिसाइज हो जाएगा, देख सकते हैं ये रिसाइज हो भी गया है, देख सकते हैं किस तरीके से। अब यहां पर एम्प्लॉय नेम में एम्प्लॉय का नेम आएगा, तो यहां पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम मैं टाइप कर लेता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम मैंने टाइप भी कर दिए हैं, ये देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज के नेम टाइप कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स आएंगे, तो नेम ऑफ आइटम के लिए क्या करेंगे हम, तो नेम ऑफ आइटम के लिए भी आइटम का नेम हम लिख देंगे, ठीक है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा माउस, ठीक है, फिर यहाँ लिखा कीबोर्ड KEYBOARD, फिर यहाँ लिखा CPU, फिर यहाँ लिखा लैपटॉप LAPTOP, फिर यहां लिखा मोबाइल, फिर यहां पर आए तो यहां पर लिखा हमने डेस्कटॉप, फिर नीचे आएंगे तो यहां लिखेंगे हार्ड डिस्क, HDD सिंबल मैंने दे दिया, और यहां पर SSD दे देंगे, हमने पूरा टाइप कर दिया है। अब यहां पर क्वांटिटी भी हमें लिख देनी है, तो यहां पर मैं क्वांटिटी भी टाइप करता चल रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, ये सारे क्वांटिटीज को यहां पर मैं टाइप कर देता हूं जो भी क्वांटिटी में ये हैं। और ये क्वांटिटी में लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये पूरा लिख लेंगे आप तो फिर यहां पर आना है, यानी रेट वाले कॉलम में आना है और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट किया और सबसे पहला काम किया, होम टैब पे रहते हुए इसे बना लीजिएगा आप करेंसी। करेंसी जैसे ही बना लेंगे ना तो जो भी यहाँ रेट डालेंगे वो ऑटोमेटिक रुपीज में आएगा, ठीक है। अब यही सेम फॉर्मेट जो कि इस वाले रेट वाले जो सिलेक्टेड पोर्शन है इसमें अप्लाइड है, इसको हम यहां भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे देखिए, हमने रेट में जो दिया है फॉर्मेट, वही सेम फॉर्मेट हमें इसमें अप्लाई करना है। तो पहले इस फॉर्मेट को कॉपी किया, फिर इसी फॉर्मेट को अप्लाई कर दिया यहां पर, बस ये आपको कर देना है। अब देखिए यहां पर रेट डालते ही होगा क्या, जैसे माउस का रेट है 200 रुपए, तो देखिए 200 रुपए हमने डाला यहां पर आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए कीबोर्ड का रेट है 400 रुपए, तो यहाँ 400 डाला, यहाँ पे रुपीज का सिंबल अपने आप आ रहा है। यहां पर देखिए सीपी हो गया, सीपीयू कर लेते हैं इसे सीपीयू, ठीक है, और सीपीयू का प्राइस है 30,000, तो यहाँ पे 30,000 कर दिया।
फिर यहाँ पर लैपटॉप की प्राइस है 65,000, तो यहाँ पे 65,000 कर दिया। मोबाइल की प्राइस है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे डेस्कटॉप है 22,000 रुपये का, यानी 22,000, तो यहाँ पर ये यह आ गया। हार्ड डिस्क है आपका 2,000 रुपये का, तो ये आ गया। SSD है आपकी 3,000 रुपये की, तो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद USB है 200 का, और यहाँ पे वायरलेस माउस की बात है, तो ये पड़ेगा आपको 950 रुपये का, और वायरलेस कीबोर्ड जो है 1,200 रुपये का। इस तरीके से सभी का यहाँ पे हमने ये डाल दिया है कि प्राइस कितनी है, ठीक है। एक्सटर्नल SSD है, तो ये भी पड़ेगी कितने की, 3400 रुपये की, 3400। रैम जो है आपका 1300 रुपये का यहाँ पे डाल दिया। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, तो ये पड़ेगा मान लीजिए 1200 रुपये का। तो ये हमने सब डाल दिया है। अब हमको टोटल कैलकुलेट करना है, तो आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू का निशान लगाइए, जरा देखिए ये रेट जो 200 लिखा है, इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका सेल एड्रेस है D2। क्या है? D2। तो आप D2 को सेलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 5 से। तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंटर करिएगा तो ये आ जाएगा। चूंकि एक्सेल के अंदर इनेबल फिल हैंडल होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो डबल क्लिक कीजिएगा तो सबका आ जाएगा। और ये जरा ध्यान दीजिएगा, हमने फॉर्मेट जो है, ये जो फॉर्मेट है यही इसमें भी रखा था, तो इसमें भी रुपीज का सिंबल आने लगा है। तो ये फायदा है फॉर्मेट पेंटर का, हमने वहां पे फॉर्मेट पेंटर यूज किया था। कंट्रोल ए, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा, एक शॉर्टकट की बताता हूं, जिससे बॉर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। Alt HBA, ये प्रेस करने से बॉर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके यहां पर इसको कलर प्रोवाइड कर सकते हैं चाहे तो। तो ये कलर भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए और इंसर्ट टैब पे चलिए। अब मेन टॉपिक आ गया, यहाँ पे आपको टेबल दिखाई देगा, टेबल में जाकर के और पीवोट टेबल पे क्लिक करना है। अगर देखिए ये विंडो आई है और बाय डिफॉल्ट हमारा पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, देख सकते हैं ना, ये पूरा डेटा हमारा सेलेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। जब भी आप ये काम करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने क्लोज कर दिया, इस टेबल में क्लिक करके और जैसे ही टेबल पे आप जाएंगे और पिवोट टेबल पे जाएंगे, तो ये पूरा डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको इसी शीट पर ये पिवोट टेबल बनानी है कि अदर शीट पे बनानी है। तो हम फिलहाल बाय डिफॉल्ट वाला ही रखेंगे, यानी हमें बनाना है अदर शीट पर, यानी न्यू वर्कशीट पर, और यहां से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए कमाल का पिवोट टेबल वाला सारा कुछ ओपन हो गया है। अब करना क्या है, करना ये है कि ये जो नेम ऑफ आइटम दिख रहा है, इसको उठाइए और ये फिल्टर वाले में ले जाकर रख दीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा भाई, इससे फायदा ये हुआ कि यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको सारे आइटम्स के नेम यहां पर डिस्प्ले होते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके कर देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहीं पे क्लिक रखना है और यहीं पे क्लिक रखते हुए यहां पर नेम ऑफ एम्प्लॉई पे टिक कर देना है, इसके बाद क्वांटिटी पे टिक कर देना है। तो अभी देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉई और क्वांटिटी दोनों ही आने लगा। फायदा क्या है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर आप जाएंगे ऑल आइटम पर और मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप और ओके किया, तो जरा देखिए डेस्कटॉप कौन जो है सेल कर रहा है, राजीव, और कितना है कुल मिला के, तो 9 आइटम है। अब क्या सच्चाई है इसको देखना पड़ेगा, तो शीट नंबर 1 पे चलते हैं और डेस्कटॉप देख लेते हैं। तो ये है डेस्कटॉप जो कि राजीव के द्वारा ही सेल किया जा रहा है, और केवल हमने क्वांटिटी लिया था, तो 9 क्वांटिटी आपको दिख रही है, एकदम क्लियरली दिख रही है। देखिए जरा यहां पर आपको 9 क्वांटिटी ही दिख रही है, राजीव ही सेल कर रहे हैं और डेस्कटॉप ही सेल कर रहे हैं, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। लेकिन अभी रुकिए, अभी हम शीट नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। और अगर हम रेट पे टिक कर देते हैं, रेट पे, तो देखिए रेट भी आ गया 22,000, तो क्या 22,000 रेट है, तो यहां पर आते हैं, तो देखिए 22,000 बिल्कुल रेट तो 22,000 ही है, यहां पे दिख ही रहा है आपको, ठीक है। अब चलते हैं शीट नंबर 2 पे और इस बार हम टोटल अमाउंट पे भी टिक कर देते हैं। तो जैसे ही टोटल अमाउंट पे टिक करेंगे, तो यहाँ 1,98,000 टोटल अमाउंट भी आपको शो हो जाएगा। तो देखिए शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये जो पिवोट टेबल हमने क्रिएट किया है, इसको हटा देते हैं, यानी ये शीट ही हम क्या करते हैं, यहां से डिलीट कर देते हैं। तो ये शीट ही हम डिलीट कर देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमने ये डिलीट कर दिया। लेकिन एक काम हमें और करना है, यहाँ पे टैक्स लगाना है परसेंट में, तो यहां लिखा टैक्स इन और यहां परसेंट का साइन लगा देता हूं, तो ये हो गया परसेंट। अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है परसेंट में, लेकिन हम यहां बनाएंगे क्या, ड्रॉप डाउन। तो इतने हिस्से में हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, वो हिस्सा सेलेक्ट करके क्या करना है आपको, यहां से जाना है ये देखिए डाटा टैब पर, और डाटा टैब पे जाके यहां पे मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन, यहां चले चलिएगा डाटा वैलिडेशन पे जाके एनी वैल्यू को बना लीजिएगा लिस्ट, और लिस्ट बनाने के बाद यहां पर आप
वो टैक्सेस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जीएसटी वाला जो टैक्स अप्लाई होता है हमारे वहाँ 5% कॉमा फिर कर दिया 10% फिर कॉमा 12% फिर कॉमा दिया 18%, वो टैक्सेस का स्लैब बना रहा हूँ मैं, फिर कॉमा 21%, ठीक है, और फिर लास्ट में 28%। तो ये सारे टैक्सेस देकर के यहां से आपको क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है। तो ये ओके प्रेस कर दिया। अब यहां पर दिखाने के लिए केवल आपको कि यहां पे अलग अलग टैक्सेस ये कैलकुलेट करके दे देगा, मैं यहां पे अलग अलग टैक्सेस रख लेता हूं, सभी में अलग अलग टैक्स मैं रख रहा हूं, देख सकते हैं यहां पे, मतलब जो भी रहेगा, मतलब सारे टैक्सेस को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक भी टैक्स छूटेगा हमसे, तो सारे टैक्सेस को हम यूज करेंगे, बाद में रिपीट तो करेंगे ही, तो जो रिपीट करना है वो नीचे रिपीट करेंगे, बाकी तो सारे टैक्सेस हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ ये कर लेना है, पोर्शन पे भी बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए वही शॉर्टकट की अल्ट एच बी ए कर लीजिएगा तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और अब यहां पर इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके क्या करना है आपको, इंसर्ट टैब पे जाना है, फिर वही काम की टेबल पे जाके पिवोट टेबल पे जाना है, और जैसे ही पिवोट टेबल पे जाएंगे, देखिए ये टेबल है और फिर यहाँ से पिवोट टेबल, तो ये पिवोट टेबल पे जाएंगे आप, और जैसे ही पिवोट टेबल पे जाएंगे तो हमें अलग जो है वर्कशीट पे ये डेटा पिवोट टेबल क्रिएट कराना है। तो अभी हमने क्या कहा था, नेम ऑफ आइटम के बेस पे लेंगे, तो इसको फिल्टर वाले में डाल देंगे। चार सेक्शन नजर आते हैं, फिल्टर है, कॉलम्स है, रो है और वैल्यूज है। तो ये जो है ना नेम ऑफ आइटम्स को हमने डाल दिया किसमें, फिल्टर वाले में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम लेंगे, फिर यहां पे क्वांटिटी लेंगे, फिर रेट लेंगे, अब देखिए यहां पर चीजें चेंज हो गई हैं, टोटल लेंगे, टैक्स इन परसेंट लेंगे, और अगर कोई तो यहां पे देख सकते हैं टैक्स इन परसेंट ये आया हुआ है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।